गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर स्टार्टिंग आवर न्यू चैप्टर व्हिच नेम इज अ वेट किटन। स्टूडेंट्स, वेट का मीन होता है गीला होना, मतलब थोड़ा गीला गीला सा, नम। तो इट्स योर थर्ड चैप्टर इन योर फोकस बुक। फर्स्ट चैप्टर था हमारा, उसके बाद एक पोएम थी, देन नेक्स्ट चैप्टर था, और भी ये थर्ड चैप्टर है। आई होप आपको इससे पहले वाले सारे चैप्टर्स जो हैं अच्छे से समझ में आए होंगे, और पोएम भी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और आप सभी रेगुलर स्टडीज़ कर रहे होंगे, आई विश सो, एंड बुक एक्टिविटीज़ भी टाइम से फिल कर रहे होंगे, आपको अपने वीडियोस भी पीडीएफ्स फॉलो कर रहे होंगे आप। सो स्टूडेंट्स, लेट्स वी स्टार्ट टुडे आवर न्यू चैप्टर व्हिच नेम इज अ वेट किटन, मतलब एक गीली किटन। किटन क्या होती है स्टूडेंट्स? बिल्ली का बच्चा है ना। सो किटन किसको कहते हैं? कैट, कैट होती है ना, उसके बच्चे जो होते हैं उनको क्या कहते हैं? किटन। जैसे कि लॉयन के बच्चों को क्या कहते हैं? कब। इस तरह से किटन के बच्चों को क्या कहते हैं? वो कैट के बच्चों को क्या कहते हैं? किटन कहते हैं। सो लुक इट स्टूडेंट, लेट्स वी स्टार्ट आवर चैप्टर फ्रॉम हियर। हेलो, आई एम फर्जिन। फर्जिन एक गर्ल का नेम है। वन डे इट वॉज रेनिंग। अब वो एक स्टोरी बता रही है, मतलब अपनी खुद के एक्सपीरियंस स्टोरी बता रही है। वन डे इट वॉज रेनिंग, के एक दिन क्या हुआ? बरसात हो रही थी। आई हियर्ड अ साउंड, मैंने एक आवाज़ सुनी। मम्मी ओपन द डोर, मम्मी ने गेट खोला। देयर वॉज अ टीनी किटन। जैसे ही मम्मा ने गेट खोला, वहाँ पे क्या था? जैसे उन्होंने गेट खोला, उन्होंने देखा वहाँ पे एक छोटी सी किटन थी। टीनी किटन मतलब बहुत छोटी सी किटन, मतलब बिल्ली का बच्चा था, बहुत छोटा सा एक बिल्ली का बच्चा था। आउटसाइड इट्स मीन बाहर की ओर। तो जब जो फ्रीजन है, उसने क्या कहा कि एक दिन बहुत बारिश हो रही थी, और उस दिन उसको एक आवाज़ सुनाई दी डोरबेल की, डोरबेल की नहीं सॉरी, उसे एक आवाज़ सुनाई दी, और उस आवाज़ को सुन के मम्मा ने डोर खोला, उनके गेट को खोला, और देयर वॉज अ टीनी किटन, और वहाँ पे क्या थी? एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा था। इट वॉज वेट, इट वॉज वेट। वेट का मीन मैंने बताया आपको, वेट मीन होता है गीला। तो वो कैसी थी? जो किटन थी वो कैसी थी? गीली थी। आई पिक्ड इट अप, उसने क्या करा? किसने? फ्रीजन ने उसको उठाया, एंड वाइप्ड इट, और उसे सुखाया। वाइप्ड मीन जो गीला गीली हो रही थी वो किटन, उसको सुखाया। आई पुट इट इन अ बास्केट, फिर उसके बाद उसने क्या करा? उस किटन को एक बास्केट में रखा, जैसे कि यहाँ पे दिख रखा है ना, उस तरह से। आई टुक द बास्केट एंड कीप्ड इट, आई टुक द बास्केट एंड कीप्ड इट इन अ वार्म कॉर्नर ऑफ माई रूम। उसके बाद उस गर्ल ने, फर्जिन ने क्या करा? फर्जिन ने उस किटन को पहले तो जो गीली हो रही थी उसको सुखाया, उसके बाद वो अपने जो रूम होता है, रूम के अंदर जो सबसे वार्म कॉर्नर, जहाँ पे वार्म मीन्स होता है गर्माहस, मतलब रूम का वो हिस्सा जहाँ पे उसको थोड़ा गर्म लग रहा था कि हाँ यहाँ पे उसको गर्मी मिलेगी, उस जगह पे उस किटन को उस बास्केट में रखा। द किटन वॉज फीलिंग कोल्ड, क्यों रखा? क्योंकि जो किटन थी उसको ठंड लग रही थी। क्यों लग रही थी? क्योंकि वो बारिश में भीग गई थी। सो आई वॉप्ड इन माई डॉल्स ब्लैंकेट, उसको बहुत ठंड लग रही थी, तो उसने, कितनी क्यूट बच्ची ना, वो एक छोटी सी किटन के लिए क्या क्या किया उसने, उसने जैसे ही उसकी आवाज़ सुनी,
उसके लिए गेट खोला, उसको घर में लिया, गीली थी तो उसको सुखाया, फिर उसको बास्केट में रखा और फिर अपने रूम के साइड में एक कॉर्नर में जहाँ पे सबसे वार्म मतलब गर्मास मिले उसे ऐसी जगह पे रखा। उसके बाद भी जब उसे ठंड लगी तो उसने अपने डॉल का ब्लैंकेट, गर्ल्स के पास मोस्ट ऑफ डॉल्स होती हैं, डॉल सेट होता है, डॉल हाउस होता है, तो वैसा कुछ ब्लैंकेट होगा उसके पास एक छोटा उस किटन के साइज़ का, वो उसने उसको दिया ताकि उसको ठंड नहीं लगे। हाउ स्वीट। सो आई वेप्ड इन माई डॉल्स ब्लैंकेट, मैंने उसे अपने डॉल के ब्लैंकेट में उसको लपेटा, उसको मम्मी गिव इट सम वार्म मिल्क टू ड्रिंक, और मेरी मम्मा जो थी उन्होंने क्या करा, उस किटन को पीने के लिए वार्म मिल्क, हल्का सा गुनगुना सा गर्म सा दूध दिया पीने के लिए, किसे, उस किटन को, टीनी किटन जो उनके घर के वहाँ आई थी। द किटन फेल अस्लीप, उससे क्या हुआ, दूध पीने के बाद उसे नींद आने लगी। द नेक्स्ट मॉर्निंग वी फाउंड, उसके बाद क्या हुआ, जब अगली सुबह ही उन्होंने देखा, वी फाउंड 3 मोर किटन्स हाइडिंग अंडर माई फादर्स कार, उसके बाद उसने देखा, फर्जिन ने देखा कि उसके जो फादर की जो कार है उसके नीचे 3 और छोटे से बिल्ली की, छोटे छोटे बिल्ली के बच्चे थे। तो स्टूडेंट्स, इन आर टूडेज़ क्लास हम यहीं तक, वी विल ड्रॉप इट हेयर, यहीं तक रीड करेंगे और बाकी का चैप्टर नेक्स्ट क्लास में हम रीड करेंगे। तो इसका एक और बार हम रिविज़न कर लेते हैं, रीरीड कर लेते हैं। फर्स्टली सॉरी, मैंने आज आपको वर्ड्स टू नो तो बताए ही नहीं। तो देखिए, फर्स्ट वर्ड है हमारा आउटसाइड। आउटसाइड का मीन होता है स्टूडेंट्स बाहर की ओर, और अंदर की जो ओर होता है उसे क्या कहते हैं, इनसाइड। सो आउटसाइड मीन बाहर की ओर, वार्म मीन्स गर्माहस गर्म, हॉट होता है गर्म, और वार्म मतलब हल्का सा गुनगुना गर्माह ऐसा, और कॉर्नर मीन्स कोना, रैप्ड मीन कवर करना, ब्लैंकेट मीन चादर जो होती है ओढ़ने का जो होता है कंबल टाइप या चादर उसके लिए, हॉल हॉल मीन्स पूरा। तो ये आपके वर्ड मीनिंग है 6 वर्ड्स, 1 2 3 4 5 6। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद हमने चैप्टर में क्या पढ़ा, एक लड़की है जिसका नाम क्या है, फर्जिन। फर्जिन ने क्या करा, उसने बताया अपनी एक स्टोरी शेयर करी हम सब से कि एक दिन था क्या हुआ, उस दिन बहुत बारिश हुई थी उस दिन, और उसने तभी एक आवाज़ सुनी, आई हेयर्ड अ साउंड, मम्मा ओपन द डोर, और उसकी जो मदर थी उन्होंने दरवाज़ा खोला, देयर वाज अ टीनी किटन आउटसाइड, और जैसे ही दरवाज़ा खोला उन लोगों ने देखा कि गेट के दूसरी तरफ बाहर की तरफ एक किटन थी, टीनी किटन छोटी सी बिल्ली की बच्चा था एक, इट वाज वेट, और वो गीला हो रखा था। आई पिक्ड इट अप एंड वाइप इट, उस फर्जिन ने क्या करा, उस बिल्ली के बच्चे को उठाया और उसको अच्छे से वाइप करा, उसे सुखाया। आई पुट इट इन अ बास्केट, उसके बाद उस किटन को उसने एक बास्केट में रखा। आई टुक द बास्केट एंड कीप इट इन अ वार्म कॉर्नर ऑफ माई रूम, और कमरे के अंदर ऐसे कोने में रखा जहाँ पे उसे थोड़ी गर्माहट मिले, उसे थोड़ा ठंड अच्छा लगे, गर्माहट मिले क्योंकि वो गीली हो गई थी इसलिए। द किटन वॉज फीलिंग कोल्ड, उसने देखा कि किटन को बहुत ठंड लग रही है, तो उसने क्या करा, आई रैप्ड इन माई डॉल्स ब्लैंकेट, उसने उस किटन को, टीनी किटन को, डॉल का जो ब्लैंकेट था उसमें रैप कर दिया, उसको कवर करा, बिल्कुल उसको कवर कर दिया कि ताकि उसको ठंड ना लगे और उसकी तबीयत ख़राब ना हो, क्योंकि एक छोटा सा बच्चा है बिल्ली का, वो बारिश में ज़्यादा देर भीगेगा तो उसकी तबीयत भी बिगड़ सकती है, तो उसने उसका बहुत ख्याल रखा। उसके बाद मम्मा गेव इट सम मिल्क टू ड्रिंक, उसके बाद मम्मा ने क्या करा, उसके लिए वार्म मिल्क लेकर आई, मतलब थोड़ा सा गुनगुना सा मिल्क लेकर आई, मिल्क मीन्स दूध एंड ड्रिंक मीन्स पीना, तो वो दूध लेकर आई जिससे कि वो कैट पी सके, किटन पी सके,
द किटन फेल अस्लीप, जिससे क्या हुआ, किटन को नींद आने लगी और वो सो गई। नेक्स्ट मॉर्निंग वी फाउंड, अगले दिन जब हम उठे तो हमने देखा 3 more kittens हाइडिंग अंडर माई फादर्स कार। 3 और छोटे छोटे kittens, बिल्ली के जो बच्चे थे वो उसके फादर की कार के नीचे बैठे हुए थे नेक्स्ट मॉर्निंग जब उन्होंने ये सब देखा। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर को आगे डिस्कस करेंगे और रीड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। एंड वन मोर स्टूडेंट, वन मोर थिंग इज दैट कि आप भी कोशिश कीजिए कि इस चैप्टर को रीड कर सके, जिससे आपका रीडिंग जो है वो बेटर हो सके। तो जो हम अब हम नेक्स्ट हम ऑनलाइन क्लास में मिलेंगे, जिसमें इस चैप्टर को यहाँ से जहाँ तक मैंने रीड कराया है, यहाँ से यहाँ तक इसको और अच्छे से रीड करेंगे और मैं आपको अच्छे से समझाऊँगी। एंड वन मोर थिंग इज दैट के आपको इन वर्ड्स को याद रखना है, उनके मीनिंग्स को भी याद करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।